বড় বড় চোর, বড় বড় ডাকাত এখন বিজেপিতে। তাদের বিরুদ্ধে যারা রাস্তায় নামছে তাদেরকে গ্রেফতার করা হচ্ছে, তাদের ওপরে অত্যাচার করা হচ্ছে। সারা ভারত জুড়ে কংগ্রেস, যেখানে কংগ্রেসের ছোট থেকে বড় নেতারা দেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে যারা রাস্তায় নেমেছে বিজেপির বিরুদ্ধে, কিন্তু বিজেপির গুন্ডামো বদমাইশি এক বিন্দুর জন্য কমেনি। তারা পুলিশকে দিয়ে কংগ্রেস নেত্রী থেকে শুরু করে, কংগ্রেস নেতা থেকে শুরু করে সকলের ওপরে তারা অত্যাচার চালাচ্ছে। আপনারা দেখুন ভিডিও। अरे मोदी सरकार होश में आओ, आप चले ना, आप आगे चले ना। अरे होश में, इसको लगता है कि जितने भी इनके विपक्ष में जो कुछ कहता है उनको ये दबा सकते हैं, और इनको ये लगता है कि दबाने के बाद ऐसे अपनी फोर्स दिखाने के बाद हम चुपचाप से समझौता करके बस में बैठ जाएंगे इनके साथ। तो क्यों करें हम तो एक मकसद से है ना यहाँ। हमारा मकसद ये है कि हम इनके मंत्री कह रहे हैं इनको महंगाई नहीं दिखती, तो हम पीएम हाउस तक चल के महंगाई दिखाना चाहते हैं, गैस का सिलेंडर दिखाना चाहते हैं जो आज कोई खरीद नहीं सकता है। इतनी महंगाई है, चाहे गरीब हो चाहे मिडिल क्लास के हो, सब तरस रहे हैं, सब तड़प रहे हैं, और कोई कुछ ना बोले। उनके लिए महंगाई तो है नहीं, उन्होंने तो पूरी देश की संपत्ति, मोदी जी ने पूरे देश की संपत्ति अपने दोस्तों को दे दी है, उनपे कभी कोई कार्रवाई नहीं है। दो चार लोग गरीब हो गए हैं, उनके महल बने हुए हैं, लेकिन जो आम जनता वो तरस रही है, तड़प रही है। ये ठीक है क्या? उनको महंगाई इसलिए नहीं दिखती, उनके लिए है ही नहीं, उनके पास पैसा ही पैसा है, जो चाहे जब खरीदे सब्जी खरीद सकते हैं, दाल आटा चावल सरसों का तेल सब कुछ महंगा हो गया। गैस सिलेंडर किस लिए उठा के ले जा रहे हैं हम, क्योंकि नहीं दिख रही है ना महंगाई। देखिए ये सिलेंडर कितना महंगा हो गया कि कोई खरीद ही नहीं सकता।